हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट का रीडिंग। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के माइंडसेट क्या है, कौन से ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहे हैं और क्या एनर्जी उनको जानना है, लाइक कौन से एनर्जी उनके पास आएंगे या फिर कौन सी चीज़ उस वो जान पाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग ओरेकल कार्ड से भी देख लेंगे। सो लेट्स सी के अब हम देखेंगे कि उनके प्रेजेंट माइंडसेट क्या है। ओके, ओम काली काली महाकाली काली काय पापहरणी धर्मकाम मत्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, एंड ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, लव, क्रश एंड हस्बैंड, वाइफ, सबके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेट्स ओके, वन मोर थिंग, आई डू नॉट डू, मतलब मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में। सो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंड सेट। टेन ऑफ शोज, ओके, टेन ऑफ वंस, टेन, and the moon, okay, and oh, so radical self acceptance reverse। देखिए मैं आपके पर्सन के एनर्जी को समझ सकता हूँ। वेल, ये थक चुका है, ओके, थक चुका है, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से सोच रहे थे कि चीज़ें उनके मुताबिक होंगे, बहुत स्मूथ होंगे लाइफ, जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत नेगेटिव फेज चल रहे हैं, ओके, वो तय नहीं कर पा रहे कि वो तब उनका जर्नी क्या होगा। बात यह है कि कुछ सेपरेशंस है, जो सेपरेशंस उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लाइक आपके साथ वो एक फॉल्स फाउंडेशंस के बेस पे अगर आगे बढ़ रहे थे या फिर एक फॉल्स फाउंडेशंस के बेस पे वो अगर आपको प्रॉमिस किए थे कुछ, उसको गिरना ही था। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ टेन ऑफ शोर्ट्स, मतलब एक ऐसे पर्सन जो अपने कार्मिक लेसन को लर्न करे। कार्मिक लेसन मतलब, पहला बात, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। वेल, इनके लाइफ में हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी था इनके खुशियाँ। अब क्या हुआ कि जिस तरीके से ये आप से एनर्जी को स्नैच किया, उसी तरीके से यूनिवर्स भी इनसे एनर्जी को स्नैच कर लिया। तो अभी क्या हो रहा है, अचानक जब ये पर्सन ने बात करना बंद कर दिए या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिए, तो इनको ऐसा लग रहा था कि शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा, आपका रास्ता अलग हो जाएगा, इनका रास्ता अलग हो जाएगा, या फिर ये पर्सन को लग रहा था कि शायद किसी दूसरे पर्सन इनके लिए सूटेबल होगा, ये कनेक्शन और आगे नहीं जा पा रहा है। और इनको ऐसा लग रहा था क्योंकि इनका हैबिट ये ऐसा था कि एक पर्सन के साथ इतना तक, दूसरे पर्सन के साथ इतना तक। एनीवे, ये पर्सन सीरियस नहीं थे, तो यूनिवर्स इनको क्या किया, जैसे रिलेशनशिप में सेपरेशंस में ये गए, वैसे ये डिप्रेशंस क्रिएट किया, यूनिवर्स इनके अंदर डिप्रेशन क्रिएट किया। तो अभी ये पर्सन डिप्रेस्ड है, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि सब कुछ खाली है, सब कुछ सुना है। नाउ टेन ऑफ वंस मतलब क्या है, टायर्ड फील करे। टायर्ड क्यों फील करे, क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है, आप देख सकते हो इस पीक से, अब इतना तक चलने के बाद अगर कोई पर्सन को ऐसा लग जाता है कि नहीं, रिलेशनशिप गलत है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर अचानक कोई बात करना बंद कर देते हैं,
अचानक उनके लाइफ में अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाता है, इसका साफ बात आ ही जाता है कि भाई आप इससे इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो. सो क्या हुआ था कि आपके पर्सन इनिशिएटिव लेना बंद कर दिए थे, और इनिशिएटिव लेना बंद इसीलिए कर दिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं लेथर्जी, टायर्डनेस, घर का प्रेशर, सबका प्रेशर, समाज का प्रेशर, तो आई थिंक शादी के बारे में ये नहीं सोच रहे थे, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में आपका दम घुट रहा था क्योंकि आपको मेंटेन मतलब करना पड़ रहा था. तो इस रिलेशनशिप पे आप थे और उनके यादें था, आप होप के साथ आगे बढ़ रहे थे बट एम्प्टीनेस अंदर था. टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब सेपरेशंस के बाद भी आपने हाल नहीं छोड़े, आप मेहनत करते गए, गम को लेके चलते गए और एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते गए. बट वो पर्सन क्या किए, ना रिप्लाई दिए, ना सपोर्ट किए, ना कोई कांटेक्ट रखे, ना ही आपको कोई मोरली एनर्जी एक्सचेंज किए. तो यूनिवर्स ने क्या किया कि भाई ये तो वन साइडेड हो रहे, अब देखो कि आप सेपरेटेड होके भी लॉयल रहे हो, साइकिक के पास गए हो, खुद अपने साइकिक इंट्यूशंस के द्वारा इंफॉर्मेशंस गैदर किए हो, सो आप अपने इनर वर्क किए हो, बट इनके तरफ से कोई भी इनर वर्क नहीं हुआ. तो यूनिवर्स क्या किए, यूनिवर्स इनको एक ऐसे कार्मिक साइकिल के अंदर धकेले कि इनको असलियत दिख गया. सो अभी इस पर्सन को क्या लग रहा है कि आपके बिना जिस जिस पर्सन के पास जाके ये मदद मांगे सभी लोग इसको ठुकरा दिए. सो इनको रिजेक्शंस मिला, हो सकता है थर्ड पार्टी से, हो सकता है घर वालों से. अब इनको क्या करना पड़ रहा है कि सारे बोझ को अपने ऊपर लेके चलना पड़ रहा है. अब बात क्या था, यूनिवर्स इसके सामने मौका दिए थे कि आपके लाइफ में कोई है, उसको कदर करो, उसके साथ चलो, उसको मदद करो एंड आपके जर्नी भी सक्सेसफुल हो जाएगा. बट वो उस मौके का फ़ायदा उठाए, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स भी देख रहे हैं कि प्रेशर क्रिएट किए, इतना कठिन रिलेशनशिप नहीं था जितना कठिन ये बनाए. सो आई थिंक अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन को मतलब एक कहावत है ना कि आए उठ पहाड़ के नीचे, अब नाउ दे आर प्रेजेंट माइंडसेट इज के बहुत हो गया, दे आर स्लोली ट्राइंग टू कम डाउन, दे आर स्लोली ट्राइंग टू ब्रेक देयर ईगो, मतलब ये अपने ईगो को तोड़ना चाहते हैं, ये आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं. क्योंकि देखो पहला बात है कि इनको इनके पास्ट को कट ऑफ करना पड़ा, इनको इनके जो ग्लोरी है, इनका जो प्राउड वाला नेचर है, इनका जो ईगो है, ये अपने ईगो को कट किए. उसके बाद इसके जो पास्ट बैगेज है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं चलते हैं, ऐसा बात नहीं करते हैं, मेरे फैमिली में हमेशा रॉयल. सो यू नो ये जो हवा का पुलाव बना के चल रहे थे, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे, तब ये क्या महसूस किए कि भाई ज़िंदगी जिस तरीके से ये सोच रहे थे वो सही नहीं है. रैदर हर लाइफ का एक स्टोरी होता है, हर कोई ख़राब नहीं होता है, सब मेहनत करते हैं, सबको स्ट्रगल करके एक जगह पे जाना पड़ता है और तब जाके यूनिवर्स गिफ्ट करते. तो जब आप इनको सपोर्ट कर रहे थे तब इनको क्या लग रहा था कि चीज़ें ऐसे ही होता है, चीज़ें इतना ही सिंपल है. पर जैसे आप सपोर्ट करना बंद किए या फिर ये पर्सन के साथ ये खुद इमोशनल जो शेयरिंग है, एनर्जी शेयरिंग है, वो बंद किया, तब से इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चले आए. सो नाउ दे आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, दे आर फेसिंग रिजेक्शंस. इनको कभी कभार लग रहा है कि गिव अप कर देंगे, इनको कभी कभार लग रहा है कि कोई नहीं है जो अपना है, इनको कभी कभी लग रहा है कि शायद ये कोई गलत काम किए हैं, कुछ गलत बोल दिए हैं, गलत लोगों को ट्रस्ट किए. सो यूनिवर्स इनको इनका औकात दिखाया है, ओके. दे आर नाउ फेसिंग रिजेक्शंस, इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनको नो बोला है. किसी किसी के लिए आई कुड फील कि इनके अपने फैमिली इनको आने से मना कर दिए कि मत आओ. थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के साथ पकड़ा गया है इनके सामने, थर्ड पार्टी के फैमिली कुछ साजिश कर रहे थे
इनके फैमिली को लेके। तो ये जो बोरिया बिस्तर आप देख रहे हो ना, ये बोरिया बिस्तर मतलब क्या है, ये किसी के लाइफ से या फिर अपने खुद के फैमिली से बोरिया बिस्तर लेके रास्ते पे आ गया है, क्योंकि यूनिवर्स इसको लेके आए हैं रास्ते पे, असली रास्ते पे। और क्या है वो रास्ता, ये रास्ता है सोल जर्नी का। फाइनली ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइफ कितना टफ है। ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मान रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल मान रहे थे, अब ये स्पेशलिटी हट गया है। नाउ दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग योर पेन, या आपके दर्द को समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है अकेले चलना, कितना मुश्किल होता है अकेले चीज़ों को फेस करना, कितना मुश्किल होता है रिजेक्शंस। एंड देन द मून, द मून का मतलब क्या है, सपना, इंट्यूशन, डिसेप्शंस। तो यूनिवर्स इनके लाइफ में एक ऐसा डार्कनेस लेके आया है कि ये ना हर टाइम पे डर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन ने साइकिक अटैक किए थे, कुछ हद तक सेक्सुअल मैजिक बोलिए, कुछ मैजिक बोलिए, ये किए थे, या फिर थर्ड पार्टी को बांधने के लिए ये किए थे, या फिर ये पर्सन के घर वालों में से कोई चाहते थे कि आप उनके वश में आए। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ साइकिक चीज़ें हुआ था और वो आपके विल के अगेंस्ट हुआ था, ओके? अब वो बैकफायर हुआ है। नाउ द मून का कार्ड मींस जहाँ पे स्पेल वर्क हुआ है, सो ये पर्सन जाने अनजाने में आपको अपने करीब रखने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर आपको बांध के रखने के लिए कुछ ना कुछ किए थे। नहीं तो इनके घर वालों ने आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए कुछ किए थे, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ किए थे। द मून का और भी एक कार्ड्स है, कुछ सीक्रेट्स है जो ये छुपाए थे, या फिर कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता था बट ये कुछ बोल नहीं रहे थे। वेल, अब जाके ये पर्सन को पता चल रहा है कि ये गलत किया है, ये झूठ बोल के बहुत गलत किया है। सो नाउ द मून मतलब क्या है, ये पर्सन अपने ही गम में एकदम खो गए हैं। नाउ दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर वेरी मच वरीड कि अगर आप ये पर्सन के सीक्रेट्स को इनके सामने लेके आएंगे तो ये किस तरीके से मुंह छुपाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन आपके सामने सीक्रेटली आ रहे हैं। रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, ये पर्सन को पता है कि अगर ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप भाग जाएंगे। अगर ये पर्सन फिर से कुछ टॉक्सिक हैबिट यू नो लेके आएंगे तो भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई थिंक ये पर्सन को पता चल चुका है कि आप उनके बिना खुश रह सकते हो, ओके? आप अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर हाल ही में इसको पता चला है कि यू नो आप जॉब करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, या फिर आप खुश हो, या फिर आप यू नो अपने मेंटल पीस के बारे में सोच रहे हो। सो द मून मतलब क्या है, ये पर्सन जो नेगेटिविटी फैला रहे थे अब वही चीज इसके अगेंस्ट में हो रहा है। सो नाउ द थिंग इज, जिस तरीके से ये चीट किए थे उसी तरीके का कर्मा बैकफायर हो रहा है, जिस तरीके से ये स्पेल किए थे वो सारे स्पेल बैकफायर हो रहा है, जिस तरीके से इनके फैमिली मेम्बर्स ये पर्सन और आपके बीच में दरार क्रिएट किए थे उसी तरीके से इनके फैमिली में भी दरार क्रिएट हुआ है। बट द रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड द मून, इसका साथ एक संबंध है, वो क्या है कि ये हमेशा से आपको रिजेक्ट किया था, ये हमेशा से आपके बोले हुए बात को झुटलाया था, या फिर जो भी आपके साथ रिलेशनशिप था इस चीज़ को ये सीक्रेट रखा था, अब वही सीक्रेट किसी के पास पता चल रहा है। लाइक किसी को पता चल गया है आप दोनों के सीक्रेट्स, किसी को पता चल गया है, चल चुका है आप दोनों के सीक्रेट। नाउ इधर इनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये आपके साथ कुछ किया, और इनको लिटरली अपना घर छोड़ के कुछ अलग जगह पे जाना है।
क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये झूठ बोलते बोलते थक गया है एंड नाउ दे आर लिटरली थिंकिंग अब इनको किसी और के पास नहीं आपके पास आना है, बट शायद इनको पता है कि आप उनको एक्सेप्ट करने के मूड पे नहीं हो. सो नाउ दे आर प्रेजेंट माइंड सेट इज दे आर वेरी वॉरिड कि आप क्या कहोगे, आप कैसे हो, आप क्या आपके बारे में वो बहुत गहरे सोच में है एंड इसीलिए आपको उनका याद आ रहा है. दे आर क्राइंग राइट नाउ. सो द रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब आपको जिस तरीके से ट्रीट किए हैं वो यूनिवर्स उसको उसी तरीके से ट्रीट किए हैं. इस टाइम पे आपको अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में सोचना है. लाइक ये आपके सामने आएंगे रो रो के, अब इसको इंसल्ट करना भी सही नहीं होगा और इसको रिजेक्ट करना भी सही नहीं होगा. रैदर आप इसको एक्सेप्ट करना सिखाइए कि देखो भाई आप जो सोच रहे थे वो आपके पुलाव थे हवा का, बट अब जो रियलिटी है या तो आपको एक्सेप्ट करना है नहीं तो ये सब छोड़ छाड़ के अपने पुराने सिचुएशंस पे जाना है. बट आप अपने सिचुएशंस को डिनाई नहीं कर सकते. इन शॉर्ट मान लो कि अगर आपके पास 5 रुपये है तो आपको 5 रुपये में ही खाना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि 5 रुपये का खाना मैं नहीं खा सकता हूँ और मेरे को 10 रुपये का खाना चाहिए. आई डोंट केयर कि मेरे पास 5 रुपये है या फिर 10 रुपये, बट मेरे को 10 रुपये का खाना है. ये वाले जो जिसका नखरा है इसको बोलना होगा कि नहीं भाई 5 रुपये है मतलब 5 रुपये का ही खाना मिलेगा. अगर आप मेरे साथ ये ट्रीट किए हो तो आपको भी इतना ही ट्रीट मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे मैं आपके आरती उतार के आपको घर ले आऊँगा तो गलत हो. आपको मनाना होगा, आपको रेस्पेक्ट देना होगा, तभी जाके आपको रेस्पेक्ट मिलेगा. कहीं ना कहीं ये है इस पर्सन का माइंडसेट और आपका एनर्जी. लेट मी सी कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्या है. पेज ऑफ शोर्ड्स, ओके. क्यूरियोसिटी यानी कि दोनों के बारे में साइकिकली कनेक्टेड हो. टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, curiosity, family, तो family curious है शायद इसके वजह से. oh, two of pentacles. So it's a clear cut chance के देखिए ये person अपने family और आपके बीच में balance ठीक से नहीं रख पा रहे, बहुत कम बात हो रहे हैं. और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि साइकिक वे में आप लोग कनेक्टेड हो बट प्रैक्टिकल वे में कोई कनेक्शंस नहीं है. हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करे, क्यूरियस तो है. तो मैं कुछ लोगों का आदत जानता हूँ कि वो लोग ऑन रहेंगे बट कुछ भी बात नहीं करेंगे, मैसेज करके डिलीट कर देंगे, देखेंगे आपके स्टेटस बट रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइमेंटेनियसली अपने फैमिली को एक साथ रख रहे हैं और आपको दूसरे हाथ पे रख रहे हैं. सो यहाँ पे बात क्या हो रहे है, ना ये अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं ना ये आपको टाइम दे पा रहे हैं. सो इनके वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है. दूसरी बात, फैमिली, समाज, वर्क कल्चर, यहाँ पे शायद इसको पता है कि आपके बारे में ये कुछ नहीं कह सकते हैं. हो सकता है कि उनके पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके पास अभी पैसा नहीं है तो इसीलिए ये कुछ आगे नहीं बोल पा रहे. एंड थर्ड, देर इज अ थर्ड पार्टी जिनके डर से ये आपके बारे में नहीं सोच पा रहे. तो कहीं ना कहीं आई थिंक लैक ऑफ क्लैरिटी है इनको. कभी ये आपको बहुत प्यार कर रहे, कभी एकदम बात कम हो रहा है, कभी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे, कभी एकदम कम मदद कर रहा है, कभी ये दिखा रहे कि आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कभी एकदम कम हो रहा है. तो काइंड ऑफ ये पर्सन अभी भी अपने फैमिली से डर रहे हैं, काम के बारे में कुछ पता नहीं है इनको, या फिर अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता नहीं है इनको, या फिर अपने कैरियर के बारे में पता नहीं है इनको, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है तो कैरियर की वजह से शायद ये अब शादी के लिए ना नहीं बोल पा रहे, मतलब हाँ नहीं बोल पा रहे और ना बोल रहे. अब देखता हूँ कि आउटकम क्या आ सकता है इस टाइम पे. आपके पर्सन क्या एनर्जी पे आएंगे. ओ, क्वीन ऑफ वंड्स, बी कॉन्फिडेंट. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपना जगह खुद बना लेना है. आपको कोई छोड़ नहीं सकते है यहाँ पे, ये मैसेज आ रहे हैं. फोर ऑफ वंड्स रिवर्स्ड, ओके सॉरी, इसको मैं अपना अपराइट
ही मांगूंगा क्योंकि मैं कार्ड्स को गलत पढ़ रहा था. नाइट ऑफ वॉन्स, आई थिंक यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का बात है. ये पर्सन का जो आने वाले टाइम है ये आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे क्योंकि आई थिंक आपके जो मैग्नेटिक ऑरा है इस ऑरा को ये भूल नहीं सकते. काइंड ऑफ इनको लगता है कि आप इनको यू नो खींच लेते हो, ये दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाएंगे भी फिर भी खींच लेते हो. सो आपके मैग्नेटिक ऑरा को ये भूल नहीं सकते. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप, लाइक अगर आप किसी को बोल दिए हो कि तुम मेरे हो तो वो आप ही का है. फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेल यहाँ पे रिवर्स आया था तो इट कुड बी अ साइन के ये पर्सन को अभी भी काइंड ऑफ क्या होता है ना कि कोई पर्सन डबल चेक करते हैं तो दे आर डबल चेकिंग कि क्या यहाँ पे आना सही होगा. सो रिकंसिलिएशंस के थॉट्स में ये डबल चेक करे, बट आने वाले टाइम पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आया है. सो ये आ जाएगा 1 से 11 दिन के अंदर या फिर 1 से 11 घंटे के अंदर आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आएगा. अगर ऐसा हो सके फोर ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल से आप इसके कॉल को मिस कर सकते हो क्योंकि कुछ क्विक वीडियो कॉल ये होगा, विश करेंगे ये आपको या फिर बहुत दिनों के बाद कॉल होगा. बट डेफिनेटली सेक्सुअल केमिस्ट्री झलक रहा है. इतना आसानी से आप किसी को छोड़ने वाली नहीं हो और इतना आसानी से ये आपको भूल नहीं सकता है. सो आई थिंक ये पर्सन के करंट माइंड सेट इसको सबक, आई थिंक अकॉर्डिंग टू हीज और हर प्रेजेंट माइंड सेट मैं बोल सकता हूँ इनको सबक मिल चुका है एंड दे आर नाउ रेडी टू टॉक टू यू, बट दे आर अफ्रेड के हाउ द सिचुएशंस विल बी. मतलब ये डर है कि आपको कैसे फेस करेंगे क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो. मान लीजिए एक चीज़, जब आप बात करते हो ना तो पूरे दुनिया चुप होके सुनते हैं क्योंकि लॉजिकली बात करते हो, लॉयल हो आप, हमेशा अपना प्रूफ को पॉइंट करके बात करते हो तो आपको टालना या फिर आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है. वेल शायद प्यार के वजह से आप चुप कर गए थे, आप इनके जो भी ये कर रहे थे इसको सब आप सुन रहे थे, बट नाउ रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस आप बोल रहे हो कि भाई पहले प्रूफ करो फिर आओ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें टाइप काइंड ऑफ थिंग. बट आई एम फीलिंग वेरी फनी बिकॉज ये पर्सन को आप देखोगे कि कितना ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट था. लाइक आई कुड फील कि ये पर्सन ऐसा लग रहा था कि ये विश तक नहीं करते, ये बेसिक रिस्पेक्ट नहीं देते, ये चीज़ों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड देते. अब यही पर्सन अगर आपको स्वीट तरीके से बात बोले, मेमोरीज का याद कराए, आपके बारे में कंप्लीमेंट करे तो आपको लगेगा नहीं कि भाई क्या जादू मैंने चलाया कि ये इतना ज़्यादा सॉर्टेड कैसे बन गए. आई थिंक ये पर्सन 360 डिग्री एंगल घूम के आपके पास आ रहे. लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्लैक कैट, अगर आप देख पा रहे हो ना. ये ब्लैक कैट मतलब क्या है, दरअसल कैट उतना जल्दी किसी के पेट नहीं बनते हैं, बट क्वीन के सामने कैट भी उनका पेट बन जाते हैं. सो आई थिंक दे आर नाउ कन्विंस्ड, ये कन्विंस हो गए कि नहीं इस पर्सन के अंदर कुछ ताकत है, आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ तो है. तो पहले क्या सोचते थे, नहीं ये नॉर्मल है, जस्ट एट्रैक्टेड है, नॉर्मल लाइक शी और ही इज लाइक दे आर हैविंग अ नॉर्मल चार्म, बट नाउ he or she is convinced, like they are now convinced कि आपके पास कुछ ऐसा तो तगड़ा पावर है कि भाई आपके बगैर ये दिन नहीं स्पेंड कर सकते. I think they are now considering you a psychic person, like वो आपके psychic abilities के बारे में जान पा रहे हैं और now they are convinced कि भाई आपके पास कुछ ना कुछ witchy power है, आप एक डार्क विच हो सकते हो. उनको लगता है कि भाई आपके साथ पंगा लेना मतलब बहुत गलत हो सकता है उनके लाइफ में, क्योंकि क्या है कि सच में द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वालों का यही होता है कि आप देखोगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पर्सनैलिटी, ये लोग ना सिर्फ प्यार में हारते हैं, बाकी सारे जगह पे ये जीतते हैं बट प्यार में ये लोग हारते हार जाते. तो इसीलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वालों के मतलब इनके दोस्ती भी बहुत तगड़ा होता है और दुश्मनी भी. तो
ये आपका दोस्ती देखा है बट दुश्मनी अभी तक नहीं देखे है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी दुश्मन बन चुका है ये पर्सन का. नाउ दे आर वेरी मच वरीड कि भाई इनके साथ जैसे ये बात करना बंद किए तो लाइफ में तो मतलब मान लो कि भूचाल आ गया है. सो नाउ दे आर सीरियसली थिंकिंग कि आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर, साइकिक पावर, विची पावर है, और इसी के वजह से ये डर डर के आके आपके सामने मिलेंगे. एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स दे आर नाउ गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग. लाइक ये आपको बोलेंगे चलो बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, तो बात करते हैं, मिलते हैं, डेट करते हैं. तो डेफिनेटली कॉफ़ी डेट या फिर आपके पसंदीदा कोई जगह पे जाके ये मिल रहे हैं या फिर आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. बट पहले क्या होता था, टेन ऑफ वांड्स, पहले ही आपको बोल देते थे कि नहीं चलो प्लान कैंसिल करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है. आप हमेशा से ही वक्त मांगते हो. सो नाउ दे आर गोइंग टू पे अटेंशन कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि नाउ दे आर वेरी सीरियस. नाउ नाइट ऑफ वांड्स का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि वो चार्म जो आप अक्सर कैरी करते थे, इनके सामने वो चार्म मिट गया था. बट नाउ यू आर गोइंग टू गेट That attention. किस तरीके का अटेंशन? एक झलक, वो जो फर्स्ट साइट होता है, वो जो फर्स्ट ग्लैंस होता है ना, उसमें ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन क्या हो, क्या सोच रहे. आई थिंक यू आर गेटिंग बैक योर पावर. लुक एट दिस एनर्जी, लुक एट दिस सेक्सुअल मैजिक. सो क्या होता है कि आपके शार्पनेस को स्पेल करके कम किया गया था, आपके एनर्जीज को चुरा लिया गया था, आपका जो मैग्नेटिज्म पावर है उसको चुरा लिया गया था. नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू एवरीथिंग. लाइक यूनिवर्स आपके सामने सारे पावर्स को वापस लेके आ रहे और ये कनेक्शंस धीरे धीरे आपके हाथ में आ रहे. सो पहले क्या था कि ये कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशंस, बट आपका जो इनके जो माइंडसेट है ये धीरे धीरे इनके खुद के कंट्रोल आपके हाथ में दे देंगे. बिकॉज यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ वांड्स, इनको पता चल रहा है कि भाई आप कुछ तो हो और आप ही के साथ ये अपना फ्यूचर देखेंगे. बट मैं पहले एक वार्निंग दे सकता हूँ कि इनके माइंड से टेन ऑफ शोर्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स जैसा था, लाइक कम्प्लीटली ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था, या फिर आपको ये, आपको भी शायद पता था कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा था. वापस एक फायर को मैं फील कर सकता हूँ. तो ये फायर आ रहा है रिलेशनशिप में और ये बहुत जल्दी दिख जाएगा, 1 से 11 दिन या फिर 1 से 11 घंटा या फिर विद इन 4 आवर्स. एक एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन लिटरली कुछ ऐसा बात बोलेंगे कि आप शॉक हो जाओगे कि वाओ, दिल खुश कर दिया आपने. एंड ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये फैमिली पे भी, फैमिली के साथ भी छोड़ सकते हैं आपकी वजह से, बिकॉज इनके फैमिली टॉक्सिक फैमिली है, अक्सर इनके साथ पैसे का उनका संबंध है. सो हो सकता है कि ये फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, आप इनका फ्यूचर हो, इनके फैमिली शायद इसको सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनके एक टॉक्सिक जॉब की वजह से आपके साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है और इनके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं. सो ये अपने आप अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे. ऑफकोर्स ये आपको रेस्पेक्ट भी देंगे, बट इनके जो टॉक्सिक माइंडसेट था वो ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपने कुछ ऐसे स्पेल किए हो, प्रेयर किए हो, ये फिर आप इस तरीके से विजुलाइज किए हो कनेक्शंस को कि आप लॉयल हो और आप एक लॉयल पार्टनर को डिजर्व करते हो. ये पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ है बट शायद वो अपनी क्वालिटीज़ को भूल चुके हैं. तो इसीलिए यूनिवर्स क्या किया, इसी पर्सन को आपको गिफ्ट किया है और आपने मैनिफेस्ट करने में सक्षम हो रहे हो. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन. सो आप ये लिखिएगा प्यारा सा डिवाइन कनेक्शंस, प्यारा सा डिवाइन कनेक्शंस, लवेबल डिवाइन कनेक्शन. ओके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनीबन, एंड मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग शॉर्ट्स वीडियोस भी देखते रहे क्योंकि अभी मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ लॉन्ग वीडियोस भी. जिसको जो मिल रहा है वही उस टाइम के लिए साइन है. ठीक है.